हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैचस्टिक से एक बियर। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि मैचस्टिक से एक बियर कैसे ड्रॉ करते हैं तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि मैचस्टिक से बियर कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पे भी कर लेना, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैच स्टिक यूज करने से पहले हम यूज करेंगे पेंसिल, और पहले पेंसिल से हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे बियर का। और एक बार जब आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मैच स्टिक यूज करेंगे और मैच स्टिक से बियर को कलर करेंगे। तो बियर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम उसका आइज ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम सेम साइज़ का दो आइज ड्रॉ करेंगे। बस आपको इसके साइज़ का ध्यान रखना है कि दोनों इक्वल हो। उसके बाद हम इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक हाफ मून शेप जो होता है वो ड्रॉ करेंगे दोनों आइज़ के अंदर। उसके बाद हमें नोज़ ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हम नोज़ ड्रॉ कर लेंगे और जस्ट इसके नीचे माउथ ड्रॉ करेंगे। तो आइज़, नोज़ और माउथ ड्रॉ करने के बाद आइज़ नोज़ और माउथ के अकॉर्डिंग ही हमें हेड ड्रॉ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे जो कि बियर का हेड होगा। तो इस तरह से हमें ओवल शेप ड्रॉ करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ओवल शेप हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ताकि आपका जो बियर का हेड है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो इस तरह से हम ओवल शेप ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा इसका शेप अच्छा नहीं है, वहाँ पे आप उसे इरेज कर सकते हैं। तो ओवल शेप ड्रॉ करने के बाद हम इस तरह से ईयर्स ड्रॉ कर लेंगे, और ईयर्स ड्रॉ करने के बाद हम इस तरह से हैंड्स ड्रॉ करेंगे, और दोनों साइड में मेजरमेंट लेके इसके नीचे इसका पैर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम इसका पैर ड्रॉ करेंगे। तो इस साइड का पैर ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट इस तरफ का हम पैर ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम दोनों को इस तरह से मिला देंगे, और इसके जस्ट ऊपर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों पैर के अंदर एक और ओवल शेप ड्रॉ करेंगे, और इस पैर के अंदर भी एक ओवल शेप हम ड्रॉ करेंगे, और दोनों पैर के ऊपर से हम स्टोमक को इस तरह से मिला देंगे। तो फाइनली कंप्लीट कर लिया है मैंने इसका स्केच, और अब मैं इसके चारों साइड लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और अब मैं मैचस्टिक से इसे कलर करूँगा। तो चलिए मैचस्टिक से इसे कलर करना सीखते हैं। Hey guys, for more interesting videos, subscribe to my channel and don't forget to press the notification bell.